समय देने के लिए ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी, मनोज एंड संगीता जी को एक बार हम सब तालियों के साथ विल वंस अगेन इनवाइट देम। सो मनोज भैया, हियर इज योर स्टेज फ्रॉम नाउ, प्लीज कैरी ऑन। हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देख करके। जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तो हमें याद है अच्छी तरह से कि उस समय हम लोग प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पूरा दिन दिन भर लगता था और लखनऊ गोरखपुर हम लोग जाते थे और पूरा का पूरा फिजिकली वर्क होता था। और आज हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे इंडिया में मिल करके एक साथ मीटिंग कर पा रहे हैं। जैसा दोस्तों मैंने बताया कि बिंग अ बिजनेसमैन, मैंने 91 में अपना करियर शुरू किया, 2000 तक मैंने बिजनेस किया, अप डाउन देखे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए। सारी चीजों का जब एक्सपीरियंस आया तो ये तो समझ में आ रहा था कि पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना मकान ले लिए, गाड़ी ले लिया, सब कुछ सेटल्ड हो रही है, बट लाइफ में कुछ मिसिंग है। क्योंकि मैं जहां पहुंचना चाहता था फाइनेंशियली ग्रो करके, वहां बहुत लोग जो पहुंच चुके थे उसके आगे पहुंच चुके थे। हमने देखा उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं लेकिन फुलफिलमेंट्स नहीं है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग है। वहां भी रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, वहां भी फैमिली लाइफ के चैलेंजेस हैं। तो मुझे समझ में आया कि लाइफ में कुछ मिस कर रहा है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी मुझे, वो था अपने बिजनेस के अंदर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। दोस्तों, हम हाईवे पे चल रहे हैं, घंटों चलते हैं बड़े आराम से, लेकिन कब एक बड़ा गड्ढा आ जाएगा, नोबडी नोस। और अगर गाड़ी में बढ़िया सॉकर लगा है तो उस झटके को फेस करके हम निकल जाते हैं लाइफ में आसानी से। थैंक गॉड कि आज जो सिचुएशन चुनौतीपूर्ण चल रहा है, हम 20 साल पहले जो डिसीजन लिए थे उसके कारण एक बाल के बराबर भी हमारी लाइफ में अनइजनेस नहीं है। तो दोस्तों, उस इनसिक्योरिटी की फीलिंग के वजह से इंटरेस्ट आया। और दूसरी जो बात समझ में आई कि बहुत जल्दी मैं एक बात समझ गया था कि पैसा कमाने का जो मॉडल है, क्योंकि पैसा जब हम कमाते हैं तो किस लिए कमाते हैं, बेहतर जीवन जीने के लिए। तो बाहर के बिजनेस के मॉडल में पैसा तो कमा सकते हैं, कमाते हैं, पैसा पहली जरूरत है जिंदगी की, वो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन जिंदगी छूट जाती है। और हमने देखा कि यहां वही चीज कि बाहर के बिजनेस का मॉडल जो है वो वहां पैसा कमाते हुए जीवन नीचे जाता है और यहां पैसा कमाते हुए जीवन ऊपर आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, एक बच्चा अगर सिगरेट पीता है तो पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो जीवन के लिए ठीक नहीं है। कल डॉक्टर्स साइंटिस्ट रिसर्च करके घोषित कर दे कि सिगरेट पीने से 10-15 साल की उम्र बढ़ जाएगी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? सुबह दूध नहीं पिलाएंगे, बच्चे को सिगरेट पिलाएंगे। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं आपको कि सिगरेट पीना अच्छा है कि बुरा है, ये सिगरेट डिसाइड नहीं करेगा, उसका जीवन पे क्या प्रभाव है ये डिसाइड करेगा। तो मैं बहुत जल्दी एक बात समझ गया था इस बिजनेस में कि बाहर जो 10 लाख रुपया कमाते हैं तो वहां पर जीवन के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं है, जीवन के बाकी पिलर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यहां 1 लाख रुपया भी कमा ले अगर हम, तो जीवन के सारे एस्पेक्ट्स ग्रो कर जाते हैं। तो यहां 1 लाख रुपये में जो वैल्यूज हैं, बाहर के 10 लाख रुपये में वैल्यूज नहीं है। और दूसरी चीज मुझे समझ में आया कि आने वाले फ्यूचर में जो लाइफ के बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे और जो पैसा सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस सॉल्व कर देगा। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट आया और मैं पैसिनेट होने लगा हो गया इस बिजनेस में। दोस्तों, मैं इंटरेस्टेड था, मुझे समझ में आया बिजनेस, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो ये समझना पड़ा कि लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। और जब ये बात समझ में आई, देन आई गॉट रिलैक्स। दोस्तों, हम लोग सभी को पता है बिजनेस में 2 पार्ट है, एक है वॉल्यूम और एक वॉल्यूम के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। वॉल्यूम को हम मार्केटिंग कहते हैं और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए नेटवर्क बनाते हैं, तो इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं हम। वॉल्यूम की समस्या नहीं है इस बिजनेस में है। जब हम लोग आए थे तो बिजनेस नया था, प्रोडक्ट नए थे, लेकिन आज हिंदुस्तान का हर आदमी एक्सेप्ट करता है कि वी हैव वंडरफुल प्रोडक्ट्स। तो वॉल्यूम को लेकर तो चैलेंज है ही नहीं है, चैलेंज ये है कि लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं, बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट। क्योंकि इस बिजनेस का मॉडल क्या है कि हमें सीख करके लोगों को इंस्पायर करना है, अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो लोगों को लीड करने के लिए पहले अपने आप को लीड करना पड़ेगा। अपने आप को लीड करने का मतलब है कि जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारा मन है, हमारा माइंड है। तो हम अपने माइंड को कैसे लीड करें,
पहला पॉइंट यह है कि हम माइंड को चला रहे हैं, मन को चला रहे हैं कि मन हमको चला रहा है। अगर हम मन को चला रहे हैं तभी लोग हमसे इंस्पायर होंगे, तभी हम लीडरशिप मोड में आते हैं, और मन हमको चला रहा है तो हमारी खुद की ही स्थिति, हम खुद ही डिस्टर्ब रहेंगे। तो दोस्तों, मन को जानने के लिए, माइंड को जानने की पहले हम कोशिश करेंगे। काम करते करते सिस्टम में रह के जो मैं समझ पाया, व्हाट इज माइंड, मन क्या है। दोस्तों, जन्म के समय बच्चे के पास माइंड नहीं होता है, मन नहीं होता है। जन्म से लेके अभी तक जो जिंदगी इंसान जिया है उसके एक्सपीरियंस का एक बंडल उसके पास है, उसी को मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। और जो बंडल माइंड बन चुका है वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, और जैसे उसकी आइडेंटिटी बन जाती है वैसा ही उसका बिहेवियर होता है। हम लोगों के साथ इस बिजनेस में काम करते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, हम लोगों का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हमें उसकी आइडेंटिटी चेंज करनी है। थोड़ा सा मैं आइडेंटिटी को एक चीज और बताऊंगा, इस चीज को एक एग्जांपल से। अगर एक ट्रांसपेरेंट बल्ब है तो उसकी रोशनी सफेद वाइट बाहर निकलेगी, अगर उस बल्ब पे हम लाल पन्नी चढ़ा दें तो रोशनी लाल हो जाएगी, पीली चढ़ा दें तो पीली हो जाएगी। तो जो उस पर पन्नी चढ़ी है वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसका माइंडसेट है, जो रोशनी निकल रही है वो उसका बिहेवियर है। तो जैसी आइडेंटिटी होगी वैसे बिहेवियर होगा, हम उसको कितना ही समझाएं, जो उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली है वो वही चीज करेगा। अब पॉइंट है कि ये आइडेंटिटी चेंज कैसे होता है। ये आइडेंटिटी दो तरीके से स्ट्रांगली चेंज होता है। पहला है कि चेंज होने में कोई पर्पस मिलता है उसको, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो पेन आता है, एक पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब हम उस कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है तो पेन को क्यों फेस करेगा, वो उसका पर्पस चाहिए। हमारा माइंड जो है दो ही लैंग्वेज समझता है, या तो वो किसी पेन को अवॉइड करने के लिए काम करता है और या प्लीजर को गेन करने के लिए काम करता है, लेकिन स्ट्रांगली, सबसे ज्यादा स्ट्रांग वो पेन को अवॉइड करने के लिए काम करता है। अब पॉइंट है दोस्तों, इस बिजनेस में भी कोई अगर काम करेगा तो उसका लाइफ कंफर्टेबल चल रहा है तो उसको पेन आएगा, तो जब उस पेन को वो क्यों लेगा। जब उसको ये पर्पस मिलता है कि अगर इस पेन को फेस करके हम इस बिजनेस को बिल्ड कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो फ्यूचर में इससे कई गुना बड़े बड़े पेन आएंगे, और वो पेन को फील करता है तो उस बड़े पेन को अवॉइड करने के लिए वो ये छोटा पेन लेता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 30 किलोमीटर के स्पीड से एक ट्रेन चल रही है तो हमारा माइंड जो बना हुआ है कि इस स्थिति में ट्रेन से कूदना नहीं है, राइट? लेकिन अगर ट्रेन में आग लग जाए तो क्या वो इंसान कूदेगा? बहुत आराम से कूदेगा। क्यों? पहले कूदने में पेन था, लेकिन अब नहीं कूदेगा तो बहुत बड़ा पेन आएगा, उसकी जान चली जाएगी। अब कूदेगा तो हाथ पांव टूटेगा लेकिन जिंदगी बच जाएगी। तो अब वो इसलिए कूदा क्योंकि बड़े पेन को अवॉइड करने के लिए छोटा पेन वो फेस कर जाएगा, पेन ले लेगा। तो पॉइंट है कि लोगों से जब हम बात करें तो लोगों से प्लान से ज्यादा हमें पर्पस की बात करनी चाहिए। मैं पर्पस की ज्यादा बात करता हूं। प्लान तो बहुत सिंपल है कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का पैसा, सृष्टि में हमेशा कमाने के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आए हैं, अब हम ई कॉमर्स युग में हैं और उसको डिफरेंट एंगल से कमाते हैं। तो एक पर्पस मिलने से हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है, और दूसरा तरीका है एनवायरमेंट। जैसा एनवायरमेंट में हम रहते हैं वैसी ही पहचान हम अपनी बना लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं, वैसा ही माइंडसेट हमारा बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, एक आदमी 20 सालों से डिस्को जाता है तो उसका माइंड, उसकी आइडेंटिटी वैसे ही बन चुकी है। अब उसको मंदिर जाने बोलिए तो बहुत पेन होगा उसको, और एक आदमी 20 साल से मंदिर जा रहा है, वहां पर भजन कीर्तन कर रहा है तो उसको बहुत आनंद आ रहा है, उसको डिस्को जाने बोलिए तो बहुत पेन है। अब दोनों को, दोनों का स्थान आप बदलेंगे तो दोनों का एक बार पेन आएगा, लेकिन अगर वो उसको फेस कर ले तो वही आइडेंटिटी उसकी कुछ समय के बाद बदल जाएगी, और डिस्को वाला आदमी जो मंदिर में जाकर वहां रम गया थोड़े समय के बाद, वापस उसको डिस्को जाने में तकलीफ होगी। तो दोस्तों, हम जैसा सभी लोग बात करते हैं, और मैं बहुत जल्दी इस बात को समझ पाया था, ये बिजनेस रिलेशनशिप का क्यों है। हम अक्सर कहते हैं रिलेशनशिप फर्स्ट,
क्योंकि जब हम लोगों से ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसमें ट्रस्ट है, भरोसा है, फेथ है, आपस का प्यार है, तो उसकी वजह से, क्योंकि उस व्यक्ति को जिसको हम लाते हैं इस बिजनेस में, सबसे पहले उसको एनवायरमेंट किससे मिलता है, हमारा व्यक्तिगत एनवायरमेंट मिलता है, और फिर हमारे रिलेशनशिप के कारण वो अपना स्थान बदलता है, यानी कि इस बिजनेस के एनवायरमेंट में आता है, और जब इस एनवायरमेंट में आता है हमारे रिलेशनशिप के कारण, तो हम रिलेशनशिप से टिकाते हैं धीरे धीरे, उसको हमारा एनवायरमेंट, हमारा साथ ठीक लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और वो टिक जाता है। तो यहां बहुत सक्सेसफुल लोगों को जब सुनता है, देखता है, तो धीरे धीरे उसका पर्पस क्लियर होता है। अभी वो जिंदगी को दो ही आंखों से देख पा रहा था, एक महीने तक देख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी तीसरी आंख खुलती है, और भविष्य के बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे खुशियां क्या मिल सकती है इस बिजनेस के माध्यम से, और कौन सी तकलीफें दूर हो सकती है, उसके लिए वो अपने पर्पस को हासिल करता है। और एक बार उसको पर्पस मिल जाता है तो उसकी सारी चैलेंजेस इस बिजनेस में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मैं बहुत जल्दी समझ पाया था कि लोगों के साथ रिलेशनशिप फर्स्ट और बिजनेस सेकंड का अप्रोच होना चाहिए। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए, हमें अपनी प्यूरिटी पे काम करना होगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, हम अंदर और बाहर से एक हो सके। और इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है कि हम अपनी लाइफ को अपने मन से गवर्न कर जाते हैं, विवेक से नहीं गवर्न करते। तो कैसे हम अपने मन के स्वामी बने, तभी ट्रू लीडरशिप आएगी। तो ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर दी है, जब उन शक्तियों का विकास होता है तब मनुष्य को अथाह आनंद आता है, और उस एनर्जी के साथ जब लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। क्योंकि सृष्टि में दो ही चीज हमारे कंट्रोल में है, एक हम और एक हमारे स्वयं की ग्रोथ। मुसीबत यह है कि दुनिया में सारे लोग ये दो काम छोड़ के जो कंट्रोल में नहीं है उसी की बात सारे दिन भर करते हैं। तो यहां हमें अपनी ग्रोथ से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं तो हम इंप्रेस करते हैं। इंप्रेस करने से कुछ नहीं होता लाइफ में, वो बहुत टेम्पररी होता है, वो हम मेटेरियल के सहारे करते हैं। तो मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर उन 6 पॉइंट्स पे हम काम करें तो वी विल बी द मास्टर ऑफ अवर ओन माइंड, एंड बहुत अच्छी लीडरशिप हमारी डेवलप होगी और हम बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। उसमें पहला पॉइंट है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। दोस्तों, हमारी जिंदगी ऐसी कुछ बीती है कि हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जिम्मेदार कौन है, टीचर है। कॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कोचिंग वाले जिम्मेदार है, नौकरी अच्छी नहीं मिली तो कॉलेज जिम्मेदार है, पति या पत्नी अच्छी नहीं है तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वट एवर सिचुएशन वी है, हम उस सिचुएशन को बदल देंगे। हस्बैंड या वाइफ ठीक नहीं है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक एटमोस्फियर हमें मिला है जिसमें जाके हम दोनों एक दूसरे को बेहतर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारा माइंड उसी तरह काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि माइंड एक ही लैंग्वेज समझता है। हम जो माइंड को देंगे वो माइंड मान लेता है, और जो मान लेता है उसी को वो प्रूव करने में लग जाता है। तो जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो माइंड हमारा उसी तरह एक्शन और काम करना शुरू कर देता है। तो हम लाइफ में कभी भी ब्लेमिंग जोन में नहीं जाते, और भगवान ने ये क्षमता दी है कि जो भी सिचुएशन लाइफ में है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को बदल देने की पोटेंसी और क्षमता हर इंसान में दिया है, ठीक है। दूसरा चीज है आउटकम, दूसरा पॉइंट है, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि ये एक्शन हमको अच्छा लगे या खराब लगे। अच्छा या खराब लग रहा है ये मन की बात है, अच्छा या खराब से गवर्न हो रहा है तो मन चल रहा है हमारा। लेकिन जब विवेक चलता है, इंटेलेक्ट चलता है, विजडम चलता है, तो ये मन में तब ये विचार आता है कि जो एक्शन कर रहे हैं क्या ये हमें हमारे गोल के करीब ले जाएगा या दूर कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि एमवे ऑफिस गए हम, प्लैटिनम है, एक अच्छे लीडर है, फाउंडर प्लैटिनम है, वहां पर भीड़ ज्यादा है या सर्वर डाउन है और टाइम लग रही है, और हम वहां रिएक्ट कर गए, अनइजी हो गए, और हमारी टीम ने देख लिया। अब काम तो हमारा तभी होगा जब सर्वर आएगा
या सिस्टम से होगा, लेकिन हम जो रिएक्ट कर गए और हमारी टीम ने मेरी ये सिचुएशन देखा, माइंडसेट देखा, इसने हमारा इंपैक्ट टीम पे कम कर दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए एक्शन करते समय कि वो एक्शन हमें गोल के करीब ले जा रहा है कि गोल के दूर ले जा रहा है। तीसरा चीज है दोस्तों, वो है बिलीफ। दोस्तों हमारा बिलीफ, कोई भी घटना घटती है, घटना एक होती है लेकिन उस घटना को लेके हर इंसान अपना अपना बिलीफ अलग अलग बनाता है, और वो बिलीफ डिपेंड करता है कि पहले से कैसा बना हुआ है। जिंदगी का सारा गेम इस प्लान पे चलता है कि हर घटना से हम अपना माइंड कैसा तैयार कर रहे हैं। एक आदमी बहुत नेगेटिव माइंड तैयार कर लेता है, एक बहुत पॉजिटिव तैयार कर लेता है। इसको भी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक पहाड़ के नीचे 20 लोग गए और वो पहाड़ 10,000 फीट ऊंचाई पे है। वहां पर 19 लोग कहते हैं कि हम पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे और एक कहता है हम चढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ने उस अकेले इंसान को क्षमता दी है? ये कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बिलीफ का प्रॉब्लम है। उसका जो बिलीफ है वो पॉजिटिव डेवलप है, इनका नहीं डेवलप है। समझ में आ गई बात? इसका इनका डेवलप नहीं है, क्षमता सबके अंदर है। तो जब लोग व्यक्ति इस बिजनेस के एनवायरमेंट में रहता है, यहां आता है, तब उसका बिलीफ बनना शुरू होता है। और वही 19 आदमी जब इस माहौल में आते हैं और यहां जीना शुरू करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसका वही जो लगता है कि 10,000 फीट यानी 10,000 PV जो हम नहीं कर सकते हैं, एक स्टेज पे उसको लगने लगता है कि 10,000 PV नहीं, हम 6 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना सकते हैं और हम डायमंड चलाएंगे चले जाएंगे। दोस्तों हमारा जैसा बिलीफ होता है वैसा हमारा सेल्फ इमेज होता है, और जैसा हमारा सेल्फ इमेज होता है उसी लेवल पर हमारी लाइफ होती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड रेपो, तालमेल। कभी भी किसी गोल को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, गोल के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। और जब हम मिलके काम करते हैं तो हम छोटी छोटी बातें पे उलझ जाते हैं या फील कर जाते हैं, अपने फीलिंग का शिकार हो जाते हैं। ये हमारे मन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से तालमेल डिस्टर्ब हो जाता है। वो तालमेल बने रहना इंपॉर्टेंट है, वो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसी में फंस जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि कई लोग जैसे मुझे कहते हैं कि मनोज जी बहुत हार्ड लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, बहुत गर्म मिजाज के भी आ जाते हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बनाए? मैं कहता हूं भाई अगर आसान व्यक्ति के साथ तालमेल बनाए तो यह कौन सी क्वालिटी है? हमारी क्वालिटी तभी है जब हम टफ व्यक्ति के साथ तालमेल बनाते हैं। अब कोई गर्म आदमी है तो आप एक एग्जांपल समझिए, आग भी बहुत गर्म है और हर बच्चा बचपन में आग को छूता है कभी न कभी, तो कभी कंप्लेन करता है कि आग गर्म क्यों है, वो ये सीख जाता है कि आग के साथ जीना कैसे है। अगर कोई गर्म है और 2400 घंटा गर्म मिजाज का आदमी है तो ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं है, मुझे तो उसके साथ जीना है और मुझे तो 5-10 मिनट 15 मिनट उसके साथ जीना है, उसको तो उस आग को 24 घंटा फेस करना है। यानी कि किसी का ईगो बहुत हाई है, बट हम रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको इस एनवायरमेंट में लाएंगे तो ये एनवायरमेंट उसका ईगो डाइल्यूट करेगा, उसको ठीक करेगा। तो तालमेल किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब मत होने दीजिए, तालमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा पॉइंट है फीडबैक। हम जब काम करते हैं इस बिजनेस में तो काम के ऊपर भी काम करना पड़ता है। जैसे हम शरीर से सारा काम करते हैं लेकिन जब जिम में जाते हैं तो किस चीज पे काम करते हैं, किस चीज पे काम करते हैं, शरीर पर काम करते हैं। तो हम काम करते करते एक यंत्र बन जाते हैं और यंत्र की तरह काम ही करते रहते हैं। हमें हमेशा बैठ करके सोचना, एनालाइज करना चाहिए, लोगों से फीडबैक लेना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या काम कर रहा है, क्या ज्यादा काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है और क्या कम काम कर रहा है, ताकि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको हम ज्यादा करें, जो कम कर रहा है उसको घटाएं और जो नहीं कर रहा है उसको हटाएं। इसी के लिए इस बिजनेस में काउंसलिंग और मेंटरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है और सबमिशन वहां आना बहुत जरूरी है ताकि ये जान पाए। और छठा पॉइंट है हम फ्लेक्सिबल रहें। काम करते करते इंसान का माइंड, जब हम माइंड से मन से गवर्न होते रहते हैं तो जो कर रहे हैं वही ठीक है, इसको ही हमारा माइंड तर्क दे के सिद्ध करने में लग जाता है। हमें फ्लेक्सिबल रहना है कि जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लें, अपने वर्किंग को चेंज करें
और चेंज कर करके एनालाइज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये 6 पॉइंट पे लगातार हम काम करते रहेंगे तो वी विल हैव, हमारे अंदर जबरदस्त लीडरशिप आएगी, हम अपने माइंड के मास्टर हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे, हम माइंड का बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट सीख जाएंगे। दोस्तों, जब भी इंसान एक बड़े गोल को चेस करता है तो एक ही बाधा है, एक ही बाधा जो मैं समझ पाया हूं। जैसे एक आदमी इस बिजनेस में निर्णय लेता है कि हमको फाउंडर प्लेटिनम जाना है अगले 3 सालों में, ये एक बड़ा गोल है जिसमें 3 साल टाइम लगेगा, इसमें बाधा एक ही आती है और वो बाधा है इंस्टेंट प्लीजर। अब कुछ रिश्तेदार आ गए, कोई पार्टी आ गई, कोई बर्थडे आ गया, कुछ और चीजें आ गई, तो हमारा मन, जब मन हमको चलाता है तो वो कहता है प्लेटिनम तो 2 साल बाद होंगे, उसका खुशी तो 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी डिस्को है, पार्टी है, ये है वो है, ये मजा तो अभी मिलना है। तो जो जिसको मन चलाता है वो इंस्टेंट प्लीजर का शिकार हो जाता है। दुनिया में एवरेज लोग इंस्टेंट प्लीजर के शिकार हो जाते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं वो अपने उसी बड़े गोल पे लगे रहते हैं, वो उसका शिकार नहीं होते और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, जब ये क्वालिटी हमारे अंदर आएगी तो भगवान ने 3 चीजें सबको दी है, टाइम, मनी और एनर्जी। सबके पास 24 घंटा टाइम है, मनी हर व्यक्ति के पास अपने अपने हिसाब से है, उसकी भी एक लिमिटेशन है उसके पास, लिमिट तक, और उसके बाद एनर्जी। जब हम अपना मैनेजमेंट माइंड का खुद बढ़िया कर लेते हैं, तभी इन तीनों चीजों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करके इन तीनों चीज को बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्ट करते हैं, और जब इनको इन्वेस्ट बहुत अच्छा करते हैं तब हमारी जबरदस्त ग्रोथ आती है। मनी के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हमें 1-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा कहीं मिल जाए तो हम अमीर फील करने के लिए चक्कर में सारा पैसा उड़ा देते हैं, यही स्टैंड प्लीजर है। जब हम अपने मन के मालिक होते हैं तो उसको अमीर फील करने के चक्कर में नहीं फंसते हैं, एक्चुअल में अमीर हो जाते हैं। ये फील करने के चक्कर बहुत खतरनाक है, ठीक है, अमीर होने में आनंद है, उसमें खुशी है। थैंक गॉड हम इस बिजनेस में आए और यहाँ की लीडरशिप में, माहौल में हम बहुत सिंपल, और मैंने, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं ये बता सकता हूं कि मेरे ग्रेजुएशन की डिग्री असली है कि नकली है, मेरे पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे जिंदगी की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। और जब मैं यहां आया तो यहां मैंने देखा जिंदगी की पढ़ाई है, मैंने देखा जो डायमंड्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल है, कितने खुश हैं वो, कितना फुलफिलमेंट है, और बहुत लगन से सीखना शुरू किया। जो भी अपलाइन ने बताया, सिस्टम ने बताया, सारी चीजें फॉलो किया, और अब सारी लड़ाई अपने आप से है, सारा काम अपने से करना है। मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, धरती में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सारा अपने माइंड में प्रॉब्लम है, बस कुछ पैसे का इंतजाम हमें ठीक से करना है। मनी को लेके मैं ध्यान में बताता हूं, मनी कमा के किसी को प्रूव नहीं करना है, अपने को कंफर्टेबल करना है। क्यों कंफर्टेबल करना है? ताकि हम लाइफ को ग्रो कर सके। और दोस्तों, जब ये चीजें हुई हमारी जिंदगी में, ठीक है, लाइफ अपने आप में सबसे बड़ा टीचर है। यह सृष्टि हमेशा हमारे इर्द गिर्द वो माहौल बनाती है, सिचुएशन बनाती है कि हम उसमें ग्रो करें, क्योंकि इस धरती में हम आए हैं स्वयं ग्रो करने के लिए। इसलिए जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, पेन आते हैं, वो दुनिया में किसी के कारण नहीं आते हैं, वो सृष्टि ही क्रिएट करती है जो रिक्वायर है हमारी ग्रोथ के लिए। जब आपका माइंड ऐसा बन जाएगा तो हम किसी पर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम उसमें से लर्निंग लेने लगेंगे। बहुत अच्छी एक लाइन है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूं, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ पर्पस। आप अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, अचानक से जब ये लॉकडाउन आया, सब लोग हतप्रभ रह गए, ये क्या हो गया, और अचानक हम सब इतने पेन में आ गए, लेकिन ये भी सृष्टि ने ही क्रिएट किया है, और इसमें बहुत लोग लर्न करेंगे और ग्रो कर जाएंगे, लेकिन बहुत लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, तो विजडम डेवलप होता है, और जब विजडम आता है जिंदगी में, तो जिंदगी को हम इस हिसाब से जीना सीखते हैं कि मेरी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है आज और भविष्य में, मेरी फैमिली की जिंदगी के लिए अच्छा क्या है, लोगों की जिंदगी के लिए क्या अच्छा बुरा है, हमारे डिसीजन हर सब चीज इस तरह से होने लगता है। और हम जब ग्रो नहीं करते हैं तो दुनिया के हिसाब से जीते हैं, दुनिया में लोग सोचेंगे क्या, लोग क्या कहेंगे, लोगों के ओपिनियन क्या है, हम उसमें फंस जाते हैं।
और उसी को प्रूफ करने में लग जाते हैं, और जब दुनिया में लोगों को देखते हैं तो प्रूफ करने के चक्कर में ही धन खर्च करते हैं। जिंदगी लोगों को प्रूव नहीं करना है, खुद को इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने से खुशी मिलती है। जब दुनिया से ध्यान हटके अपने ऊपर आ जाता है और अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तब लाइफ की ग्रोथ होती है, तब लाइफ में मैजिक शुरू होता है। दोस्तों, एक पेड़ बहुत बड़ा है ये मायने नहीं रखता उसमें फल कैसे हैं, केवल ये मायने रखता है। इस बिजनेस की ब्यूटी में जो समझ पाया था कि बाहर की दुनिया में जो पहचान बनती है वो हमारे प्यास क्या है इसके आधार पे बनती है, लेकिन इस बिजनेस में जो पहचान बनती है हम खुद क्या हैं, और जो हम बनते हैं वही हमारे साथ जाता है। दोस्तों, जो कमाते हैं वो सब छूट जाता है, जो जीते हैं वो साथ जाता है। आज इस बिजनेस में जो रिलेशनशिप हमने कमाया है, हम सब कमा रहे हैं, वो हम अपने साथ लेके जाएंगे, बाकी सब चीजें छूट जाएंगी। दिस इज वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, मैं यही लास्ट में अपनी ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा, अपनी बातें खत्म करूंगा बताते हुए कि लाइफ का रिग्रेट्स एक ही है जो एंड में आता है इंसान को। जब हम लाइफ को ग्रो करते हैं, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। गुलाब की कली अगर धरती में पैदा हुई तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? गुलाब का फूल बनना और खुशबू बिखेरना, लेकिन उसके जीवन की जरूरतें हैं बहुत है। अब वो गुलाब की कली डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, बहुत पैसा कमा ले, लेकिन गुलाब का फूल ही ना बने, तो उसको लाइफ के एंड में क्या रिग्रेट्स आएगा कि हम मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन हम जो होने आए थे वो हो नहीं पाए। इसी तरह लाइफ का सीड एक लाइफ के पेड़ से परमात्मा से हमारे अंदर आया है, वो ग्रो करने के लिए तलपता है, और इस बिजनेस में उस लाइफ की ग्रोथ होती है। दोस्तों, बाहर पैसा कमाते हुए ये नहीं हो पाता और ये छूट जाता है। जैसे पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है, वैसे जीवन कमाने के लिए काम करना पड़ता है। बाहर हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन जीवन छूट जाता है, और जब ये लाइफ ग्रो करती है, गुलाब की कली गुलाब का फूल नहीं हो पाई, तो एंड में यही रिग्रेट्स होता है उसको कि हम जो होना था वो नहीं हो पाए। यानी एंड में मनुष्य को यही रिग्रेट्स आता है कि हम अपने जीवन पे खुद गर्व कर सके, हमारे जीवन का आत्मगौरव हमें मिले, वो नहीं है, हमें वो नहीं कमा सके हम, यही रिग्रेट्स है। और ये मैं चैलेंज से कहता हूं, इस बिजनेस को आप बिल्ड करेंगे और डायमंड जाएंगे तो यू विल फील इट, क्योंकि तब तक आपकी वजह से हजारों लाइफ इन्फ्लुएंस हो चुकी होगी। दोस्तों, एट द एंड ऑफ लाइफ बहुत सारे आप सक्सेसफुल लोगों से पूछेगा कि दोबारा जीवन मिले तो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे हम वापस से डॉक्टर नहीं बनेंगे, वापस से इंजीनियर नहीं बनेंगे। जिंदगी में सबसे कामयाब आदमी वो होता है जो एंड ऑफ द लाइफ वो कहता है कि जो हम जिए हैं अगर दोबारा जीवन मिले तो हम फिर से वही जिएंगे। अगर एट अ डायमंड बन के आप इस दुनिया से विदा होते हैं तो आप यही आपके जुबान से निकलेगा, दोबारा भगवान ने जन्म दिया तो फिर से हम डायमंड होंगे। यही इस बिजनेस की खूबसूरती है, यही इसका आनंद है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दैट्स वंडरफुल। नाउ मैं अपनी वाइफ को इनवाइट करूंगा जो मेरी बैकबोन है इस बिजनेस में, और वो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हेल्प मी वेलकम संगीता जी, मनीष भाई। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज इस बिजनेस में, और सबसे पहले तो हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं अपने मेंटर सुमित जी और तान्या जी के, जिनकी वजह से ही शायद हम लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जब सिर पे मेंटर का हाथ हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, और अभी इस चीज को जब हम लोग महाभारत देख रहे थे तो और अच्छे से समझ में आई कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो सबको टीचिंग्स करते हैं, बट अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ भगवान कृष्ण मेंटरशिप कर रहे होते हैं और जीत उन्हीं की होती है। तो बस यही हमें कोशिश है कि हमारे मेंटर का हाथ हमारे सिर पे रहे हमेशा। और आई बॉर्न एंड बॉटम इन वाराणसी, मेरे दो बेटे हैं और हम लोग ने जब इस बिजनेस को शुरू किया उस समय आई थिंक कहेंगे कि बनारस में कुछ भी नहीं था, कोई एमवे ऑफिस नहीं थी, कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे,
प्रोडक्ट्स को लेने के लिए वैन आती थी और वहां पे लाइन लगती थी, तब जाके कहीं कुछ प्रोडक्ट्स मिलता था। और आज ये सिचुएशन है कि हर चीज ऑनलाइन हो गया है, आप घर बैठे ऑर्डर करिए, घर पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, घर पे ट्रेनिंग, घर पे टीचिंग, सब कुछ घर पे हो रहा है। तो देखिए सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आज इस लॉकडाउन में भी जहाँ सारे बिजनेस बंद है, ये बिजनेस चल रहा है और आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आप अपना सब कुछ करते हुए इस बिजनेस को भी कर सकते हैं अपने पार्ट टाइम में। तो आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब हम लोग ने शुरू किया था तो हमारा एक मेन रीजन था कि मैं अपना क्लिनिक चला रही थी और नो डाउट कि मेरे हस्बैंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन उस समय भी थे और आज भी हैं, और अगर मैं भी क्लिनिक चला रही होती तो निश्चित तौर पे हम दोनों रात को अपने अपने चैलेंजेस के साथ ही आते। और उस समय हमारी जो जिंदगी होती वो निश्चित तौर पे एक टेंशन भरी जिंदगी होती, बट आज इस बिजनेस की वजह से जो हमारे सपने, हमारे मंजिल, हमारे लक्ष्य, हर कुछ हमारा एक हो गया है। ये तो आज सभी को पता है कि आज के सिनेरियो में जो भी पति पत्नी है वो सभी आज कुछ ना कुछ बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, और सबको पता है कि वो अपने बच्चों को भी ठीक से पाल नहीं पाते, मतलब कितनी टेंशन्स है। हमें उसी टाइम ये विजन आ गया था और हमने उस टाइम ही ये निर्णय ले लिया कि हमें इकट्ठे रहना है, साथ में रहना है और मिलके ही आगे बढ़ना है। उसी की वजह थी कि हम अपने पूरी फैमिली के साथ हमेशा इकट्ठे रहे, हमारे बच्चों में बहुत सारी वैल्यूज आई और हमने बहुत बहुत सारी चीजों को, हमको यहाँ पे सारी चीजें मिली। देखिए हम जिंदगी में इस बिजनेस को करते हुए कहाँ पहुंच गए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको करते हुए क्या बने हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आज इसमें बहुत कुछ सीखा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीखी कि हम हर रोज क्या सीख रहे हैं, वॉट वी लर्न टूडे। ये सिर्फ मुझ में ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली में आ गया है कि हम लोगों ने आज क्या सीखा। अच्छा, इस बिजनेस में आके ही मैंने ये सीखा कि हमारे जो टाइम है, मनी है, उसकी एनर्जी है, उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बेस्ट आउटपुट आ सकता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड सीखा हमने, कैसे हमारे माइंड को हम पॉजिटिव डायरेक्शंस में ले जाएं सीखा, मतलब लव टू पीपल, बहुत बहुत सारी चीजों को हमने सीखा है। हमारा थॉट प्रोसेस कैसे बदले, देखिए सारा खेल थॉट प्रोसेस का ही है। और इस बिजनेस में आके हमने उस इम्पोर्टेंट चीज को सीखा कि हमने हम अपने माइंडसेट को कैसे बदलें। फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत बहुत सारी वैल्यूबल चीज इस बिजनेस ने हमको दी है। देखिए कहते हैं ना कि भगवान ने हर एक इंसान में सक्सेस का सीड डाला है, हमें सिर्फ अपने अंदर जो निगेटिविटी है ना उसको बाहर हटाना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे पत्थर में भगवान की मूर्ति छिपी होती है और जो कारपेंटर होता है वो उस छेनी हथौड़ी से उस पत्थर का वेस्टेज बाहर निकालता है और भगवान की मूर्ति अपने आप बाहर आ जाती है। जस्ट लाइक हमें भी वही करना है, हम लोगों को अपने अंदर जो निगेटिविटी छिपी हुई है उसको सिर्फ बाहर निकालेंगे अगर हम, तो हमारे अंदर जो एक सक्सेसफुल इंसान छिपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए डिपेंड्स हम पे करता है कि हम अपने अंदर के विनर को बाहर लाना चाहते हैं या अपने अंदर के लूजर को ही निकालना चाहते हैं। तो ये सिचुएशंस भी हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती है। और हमें अगर अपने अंदर के विनर को बाहर निकालना है ना फ्रेंड्स, तो हमें अपने माइंड में पॉजिटिव फीडिंग करनी होगी। देखिए निगेटिविटी जो होती है उसको फीड नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन पॉजिटिव के डालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए अगर हमारे पास लॉन है या गमला है, अगर हम उसमें कुछ भी सीड नहीं डालते हैं तो उसके अंदर खर पतवार घास फूस अपने आप भर जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम उसमें कुछ भी ना डालें और उसमें से आम का पेड़ आ जाए, सेब का पेड़ आ जाए या गुलाब का फूल निकल जाए। अगर हम ये सारे फल फूल चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें उसमें उसका सीड डालना होता है, उसको उसके लायक एनवायरमेंट देना पड़ता है, तब जाके वो ग्रूम करता है और हमको वो सारे फल फूल मिलते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह हमको भी अपने अंदर की निगेटिविटी को हटाना होगा, उसको हटाने के लिए हमें अपने अंदर पॉजिटिव डालते रहना पड़ेगा और उसको एक पॉजिटिव एनवायरमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ जो बिजनेस है, जो सिस्टम है, वो यही काम करता है कि आपको एक पॉजिटिव एनवायरमेंट देता है। जो आपके अपलाइन होते हैं वो आपको पॉजिटिव एनवायरमेंट दे रहे हैं, आपको बुक्स है, एसोसिएशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती हैं, जो आपके अंदर के बेस्ट को बाहर लेके आती हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने अंदर के बेस्ट को बाहर लाना है,
अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने माइंडसेट को तो बदलना ही होगा। देखिए, आप जैसे हैं वैसे रहकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। आप जो हैं जैसे हैं वैसे रहकर ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। अभी कहते हैं ना कि एक चीज की अगर हम खुद जीतने की कोशिश करते हैं तो हम हार भी सकते हैं, बट अगर हम दूसरों को जिताते हैं तो हम कभी नहीं हारते, हम हमेशा जीतते ही जीतते हैं। एक और चैलेंजेस आता है ना इस बिजनेस में या किसी भी चीज में, जब आप सक्सेसफुल होते हो या सक्सेस की राह में जब आप चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको निगेटिव पास करते हैं या आपकी लेग पुलिंग करते हैं, या वो शायद आपको नहीं चाहते कि वो उनसे ज्यादा आप सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारे अनवांटेड चीजों को कहते करते हैं जो शायद आपको अच्छी नहीं लगती या हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ हम एक चीज को याद रखते हैं, वो ये याद रखते हैं कि जब खिलाड़ी होता है वो जब मैदान में परफॉर्म करता है और जो दर्शक होते हैं वो बाहर शोर करते हैं, हुटिंग करते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता है तो वही दर्शक उसके लिए ताली भी बजाते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं? सो बी अ परफॉर्मर। आप परफॉर्मर बनेंगे तो बाहर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे उसका कुछ भी असर नहीं होगा। सो बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैं फिनिश करते हुए एक मैसेज खाली आपको दूंगा कि जब हमारे ठीक है जब हमारे खुद की ग्रोथ होती है तो जीवन में चमक आती है। आज 20 सालों की तपस्या में अगर हम बस आप पूछेंगे कि हमने सबसे बड़ी चीज का क्या कमाया है, कि हम सब लोगों के मेंटर सुमित जी, तान्या जी के जीवन में इतनी चीख चमक है, इतने जीवन जीवन की खुशबू है कि उससे उसकी छाया में हम लोग पल रहे हैं और कितने आनंदित हैं। अल्टीमेट लाइफ जिन्होंने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है, वी आर सो फॉर्चुनेट। ये सबसे बड़ी चीज हमने कमाया है इस बिजनेस में। और लास्ट में फिनिश करते हुए मैं एक चीज बताऊंगा कि मैं अपने फादर के बारे में, कि मेरे फादर जब 12 साल के थे दोस्तों क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे बड़े मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं और पूरा जीवन मूल्य मैंने उन्हीं से सीखा है। जब वो 12 साल के थे राजस्थान में, तब हमारे दादा ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे और घनघोर गरीबी में उन्होंने बिहार में आके जीवन पूरा किया, शुरू किया अपना, और एक किराने की दुकान में 2 साल केवल खाना, 2 वक्त की खाने के लिए नौकरी किया उन्होंने। केवल 2 धोती कुर्ते में रहते थे, लेकिन जो जीवन में ऑथेंसिटी थी उनकी, जो जीवन मूल्य था उनका, क्योंकि वो 24 घंटे जीवन की बातें करते थे। आज हम जिंदगी में सब चीज की बात करते हैं लेकिन जिंदगी की बात नहीं करते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों जिंदगी की बात होती है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो उनकी जीवन की चमक, आज वो नहीं है दुनिया में 5 साल से, लेकिन उनका जो जीवन मूल्य है वो मेरे साथ है। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सही जीवन जी के जाएंगे तो वो जीवन मूल्य हमारे बाद भी काम करता है हमारी अगली जनरेशन के लिए। बाहर की दुनिया में हम पेड़ ट्रांसफर करते हैं, जड़ नहीं कर पाते हैं। इस बिजनेस में लाइफ की जो वैल्यूज है उससे एनालाइज, उस पर फोकस कीजिए, बिल्ड कीजिए, और हम अपनी जनरेशन को वेल्थ के साथ साथ वैल्यूज भी देके जाएं, तभी लाइफ बैलेंस होगा। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच श्रवण जी। हम मिलते रहेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इस बिजनेस को मिशन की तरह लीजिए। और एक ही बात ध्यान में रखिए कि अपने लिए बिल्ड करेंगे तो खाली अपनी ताकत काम करेगी, औरों को हेल्प करेंगे, औरों के लिए काम करेंगे तो ईश्वर की शक्ति काम करनी शुरू कर जाती है। ये मैंने सुमित जी से सीखा है। तो थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुमूल्य समय दिया, और आज का विषय वाकई में हटके था, जहां पर कई बार बिजनेस का एक आयाम लोगों ने बताया था, लेकिन जो वैल्यूज की जो आज आपने बातें की, डेफिनेटली आज जितने भी लोग पूरे भारतवर्ष में सुन रहे हैं, ये एक बढ़िया विषय था। और हम फिर से आपसे उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी फिर हम सबसे मिलेंगे और आपकी बातों से फिर से लाभान्वित होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ फिर से थैंक्स बोलेंगे हमारे तरफ से, तो लेट्स क्लैप फॉर देम एंड थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना समय दिया। और इसी के साथ